दुनिया का सबसे पहला न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस का एंटरप्राइज था, जिसे बनाने में 3 साल का समय लगा था। इसकी शुरुआत 1958 में हुई थी और ये 1961 में बनके तैयार हो गया। खर्चा कितना हुआ? लगभग $4.16 बिलियन। ना रुपये में बताओ, लगभग 33,000 करोड़ में बना था। और आज कितने में बनेगा भैया? 66,000 करोड़ रुपए लगेंगे, लगभग $9 बिलियन। यूएसएस एंटरप्राइज का वजन 93,284 टन था, जिसकी लंबाई 1,123 फीट थी और इसकी रफ्तार लगभग 33 नॉटिकल माइल प्रति घंटा थी। इसको पावर देने के लिए 8 न्यूक्लियर रिएक्टर लगाए गए थे और इतने रिएक्टर इसको 20 साल तक पावर दे सकते हैं बिना एक बार भी रिफ्यूलिंग किए। अपनी रक्षा के लिए इस पर लगभग 4 रडार लगाए गए, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है, और मात्र 6,500 लोग इस पर काम करते थे।